हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुमरियल ब्लॉग ट्रेनिंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बजे हुए हैं 10 और हम लोग अब रेडी हो गए हैं अपने गांव जाने के लिए। तो आज मैं आपको अपना गांव दिखाती हूँ, जहाँ पर मैं पैदा हुई थी वो गाँव, तो जहाँ हम लोग रहते हैं उससे थोड़ी दूर पर है। तो बस हम लोग रेडी हो गए हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ कार्यक्रम है, तो इसीलिए हम लोग तैयार हो गए हैं और बस तैयार होकर के निकल लिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं रास्ते का व्यू है, हमारे गांव जाने की रास्ता है, तो बस वहीं जा रहे हैं। वहाँ पर कुछ फंक्शन है, लड़का हुआ है भाभी के, तो बस उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। क्या बराह वगैरह जो होते हैं गाँव में, कुआँ पूजन, तो उसी के लिए हम लोग जा रहे थे, तो बुलाया था, तो हम लोग गाँव जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब बस आने वाला है हमारा गांव। ये मेरे गांव का रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ पर क्रॉसिंग थी तो हम लोग खड़े हो गए थे, और इस क्रॉसिंग के बाद मेरा गांव है। तो इसी गांव में मैं पैदा हुई थी छोटे से, और जब 1-2 साल के थे तब हम लोग वहां से आ गए थे गांव से। फिर उसके बाद जाते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं गए हैं, 8-10 साल हो गए होंगे नहीं गए हैं गाँव। इसके बाद मैं वहाँ गई, जैसे कभी किसी की शादी वगैरह हुई या कुछ फंक्शन हुए, अगर यहाँ पर हुए तो हम लोग चले जाते हैं, पहले बाहर रहते तो हम लोग नहीं जाते थे, क्योंकि दूर की वजह से कौन आए। तब यहीं पास में थे तो हमने कहा चलो हो लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा गांव है और यहीं पर मैंने मतलब फर्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट किया थी, पढ़ाई थी, और इसके बाद फिर 1-2 क्लास पढ़ी है, इसके बाद नहीं पढ़ाया था। तो मैं आप लोगों को स्कूल भी दिखाती, जिस स्कूल में मैंने अपनी पहली पढ़ाई शुरू की थी फर्स्ट क्लास की। आम के बगीचे हैं गांव में बहुत सारे, हमारे आम के पेड़ लगे हुए हैं, जामुन के पेड़ लगे हुए हैं, तो बस सब लोग वहीं खड़े थे। और बस तो फ्रेंड्स, जब हम घर पहुंचे थे एकदम से रात, मतलब 6:30-7 बज गए थे और अंधेरा हो गया था, लाइट चली गई थी गाँव में, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था चारों तरफ। तो फिर हमने मोबाइल की टार चलाई रास्ते से निकलने के लिए, तो बस यहीं से फिर पैदल पैदल गांव के बाहर, जो ऑटो चलती हैं तो गांव के बाहर उतार देती हैं, तो बस वहीं से हम लोग पैदल पैदल फिर गांव के अंदर गए थे। तो वहां पर लाइट नहीं थी, लाइट चली गई थी, तो फिर मोबाइल की टार्च जला के जा रहे थे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे कि अंधेरा है, लेकिन मैंने कहा चलो आप लोगों से दिखाऊंगी गांव। तो ऐसा हुआ कि हम रात ही में रुके और सुबह आ गए थे जल्दी। तो अब हम लोग घर पहुंच गए थे, सभी लोग आ चुके थे, आप लोग देख सकते हैं, खूब सारे रिश्तेदार थे, रिलेटिव हमारे आ गए थे, जो भी फंक्शन था कुआँ पूजन वाला, तो उसी के लिए सबको बुलाया गया था। तो सब लोग आंगन में बैठे हुए थे, लाइट नहीं थी, तो मरकरी जलाए थे सौर लाइट और एवरेडी थी, तो उनको जला के रखा हुआ था। तो ये सब लोग बैठे हुए थे, नाश्ता वास्ता हो चुका था, अब थोड़ी देर में खाने की तैयारी चलने वाली थी, तो बस बातें कर रहे थे सब लोग। और इसके बाद फिर हम लोग कुआँ पूजन के लिए चल दिए, तो वहाँ पर भी लाइट नहीं थी। तो ये बहू जा रही है आगे कलश लिए हुए, पीतल का कलश लेके, तो लाइट नहीं थी, तो मोबाइल की लाइट जला रहे थे, क्योंकि कहीं पर लाइट किसी किसी के दरवाजों में जल रही थी, किसी के दरवाजों में अंधेरा था। गांव है, कहीं पर लाइट है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर खंभे मरकरी लगी हुई है, कहीं पर नहीं लगी है। तो बस फिर हम लोग ऐसे ही पैदल पैदल जा रहे थे, ये बहू जा रही है आगे आगे और पीछे पीछे हम सब लोग जा रहे थे उसी के कुआँ पूजन के लिए। तो वहाँ जहाँ कुआँ बना हुआ था वहाँ पे भी बिल्कुल अंधेरा था, हल्की हल्की बहुत से मायके से पथाया करता, तो बहुत से मायके से लड़की आया करते थे, वो भी आए थे बच्चे के लिए कपड़े और फिर फैमिली के लिए कपड़े, सभी कुछ आते हैं। खोल खोल सबको दिखा रहे थे कि ये क्या है, ये क्या है, सब लोग देख रहे थे। तो फ्रेंड्स, आपको बताइए आप लोगों को कैसे लग रहा है?
और मैं लगा दी सब लोग बैठे बैठे बात कर रहे हैं। गाँव में लाइट का तो कोई ठिकाना रहता नहीं, कितनी देर तक ना आए, तो दो तीन घंटे हो गए थे लाइट आ ही नहीं रही थी। तो बस सब लोगों ने कहा चलो ऐसे खा लेते हैं मरकरी जला करके, और बस उसी को जला करके सब बैठे हुए तो सबकी बातचीत चल रही है। बहू का मुकाबला बहू को खींच ले, खींचा मुंह खोल का लोग देख सकते हैं जी ना, बड़ा पारी का बाप लिंकी का कौन कौन आया तो कहीं फलान आपस में बातचीत कर रहे थे। और का और इसके बाद हम लोग कल 12 बजे गए थे रात में, हां बजाते लिंकी का भी ना फोटो करते रहे थे लेटे 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 सब रहा है उनकी ऐसे करते हैं। तो 2 बजे भागवती चल थोड़ा सो लेते हैं, क्योंकि सब लोग बोले कि सोना तो अपने में देनी है, लेकिन थोड़ी देनी मिलते हैं चले जाएंगे। तो इसके बाद हमने कहा चलो ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लेट गए, तो जब सुबह उठे तो 7:30 बज गए थे, बहुत टाइम हो गया था। सब लोग खेतों की तरफ जाने लगे थे क्योंकि गाँव में बहुत ज़्यादा कटाई चल रही है, जाने लगे तो बस हमने कहा हम लोग भी निकलते हैं अपने घर के लिए। तो घर से थोड़ी दूर बाहर तक पैदल आना पड़ता है, तो इस तरह से तो हम लोग वहीं से पैदल पैदल आ रहे थे सब लोग। उसके बाद रिक्शे में बैठ के फिर हम यहाँ निकल आएंगे। हरियाली रहती है, बहुत ही अच्छा लगता है। अभी गर्मियों के दिन है लेकिन हरियाली चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे पेड़ वेड़ हैं दोनों तरफ खेतों के। जैसे रोड बनी है तो रोड के दोनों तरफ बहुत सारे पेड़ हैं, और खेतों में भी बीच में बेर के पेड़ हैं, कहीं आम के कहीं जामुन के, तो बिल्कुल हरे भरे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत भीड़ चल रही है इस समय खेतों क्योंकि कटाई चल रही है, तो वहाँ पर खूब सारे बच्चे पेड़ों के नीचे खेलते रहते हैं, और जो उनके मतलब मम्मी पापा हैं वो अपना कटाई करते हैं और बच्चों को वहीं छाए में बैठा देते हैं। तो वहीं बस हम यही देखते चले आ रहे थे कि सुबह से कितने लोग काट रहे हैं, कितनी भीड़ है खेतों पर। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए, अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिए, जो नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। और का आज तो खाली तुम क्या रिक्शा और टाइम भी क्रॉसिंग पड़ गए थे, बहुत लंबा था भी क्रॉसिंग। तो तुम उसे सोच रही थी आपको अपना काम दिखाने के लिए, कोई जाने का मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही हम इधर आए तो अचानक बुलावा आ गया था। बच्चे की शक्ति बढ़ा रहा है, वो अपनी जल्द आ जाता है।